इंदौर भोपाल हाईवे के भोरासा टोल प्लाजा पर एक कार चालक ने टोल कर्मचारी को पीट दिया। कार चालक कर्मचारी को पीटने के बाद बोला, कार पहचान ले, इसे रोकना मत। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। टीआई घटना को मामूली बता रहे हैं। दरअसल भोरासा थाने के टोल प्लाजा पर रविवार रात करीब 8:30 बजे लाल रंग की कार दिवास की ओर से आई। कार चालक ने टोल प्लाजा पर लगे बैरिकेड्स गिरा दिए। टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी केसर सिंह ने कार चालक को समझाइश दी तो वह नीचे उतरा और केसर सिंह से मारपीट करने लगा। कार चालक ने कर्मचारी को धमकी दी कि आगे से मेरी कार को रोकना मत, कार को पहचान ले। कार चालक का नाम विजय सिंह राजपूत बताया जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भोरासा पुलिस ने केसर सिंह की रिपोर्ट पर विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। भोरासा टीआई नीता देरवाल ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि वो बोली, मामूली मारपीट का मामला है, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी हुआ है। रात को एक रेड कलर की व्हीकल आई, लगभग हमारे 8:30 से 9 के बीच का टाइम है, जो कि हमारा लाइन का अटेंडेंट, जो लाइन नंबर साइड जो है 10 नंबर हमारी लाइन, 1 नंबर लाइन पे वो खड़ा हुआ था। तो गाड़ी आई, उसने गाड़ी में से एक विजय नाम का युवक उतरा, उसने बैरिकेड को लात मारा। लात मारने के बाद में जो हमारा सुपरवाइजर था वहाँ पे, उसने बैरिकेड को दोबारा लगाया। उसने पूछा, सर कौन है आप? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं जानता, है पहचान ले। तो उसको फिर वो मारने लगा। उसने अपना बचाव के लिए अपना हाथ लगाए और वो वीडियो में क्लियर दिख रहा है। तो उसमें काफ़ी समय ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा। उसके बाद में वो खिड़की बंद की अपना, फिर तो वहाँ से निकल गया। उसके बाद में हमारे पास सूचना आई, हम तो तत्काल आए, उसके बाद में उसकी FIR कराई हमने। झगड़े का कारण ये है कि लोकल में जैसे परेशानियाँ आती हैं, कोई भी दारू वगैरह पी के आता है, तो उसको स्टाफ या जो स्टाफ पैसे, अगर उनका भी पैसा है, गरीब लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनका पैसा कटता है कंपनी की तरफ से। उनका कहना है कि हमें फ्री निकालो। तो ये जो सैलरी जो हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी कटती है,